करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। कह रहा है पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्राइंगल। अब देखिए हाइपोटेन्यूज उसने बोल दिया, हाइपोटेन्यूज तो ट्राइंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो एक फिगर अगर हम यहाँ पर बनाएं, तो सपोज हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। ओके, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में इन्होंने क्या बोला है कि अ पॉइंट ऑन अ हाइपोटेन्यूस। तो ये जो हाइपोटेन्यूस है, मतलब ये अगर 90 है तो ये एसी हाइपोटेन्यूस है। तो इस हाइपोटेन्यूस पे एक पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है, पॉइंट पी, करेक्ट। तो कह रहा है कि अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूस ऑफ अ ट्राइंगल इज एट अ डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। मतलब ये जो पॉइंट पी है, ठीक है, ये डिस्टेंस ए पर है और डिस्टेंस बी पर है। कहाँ से? ट्राइंगल्स की बची हुई साइड से। अब ट्राइंगल की बची हुई कौन सी साइड्स हैं बताइए? एक तो परपेंडिकुलर है और दूसरा बेस है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट पी है हमारा, ये तो खुद ही कहाँ लाई कर रहा है? हाइपोटेन्यूस पे। ओके, तो इस पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है बची हुई साइड से, मतलब कि परपेंडिकुलर और बेस से, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी दी है? स्मॉल ए स्मॉल बी, यानी कि स्मॉल ए स्मॉल बी गिवन क्वांटिटीज में कांस्टेंट होगा। यानी कि समझिए बच्चों, इस पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है किससे? ए बी से। तो ये हम ऐसे करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट सपोज एम है, तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग किससे शो करेंगे? ए से, ठीक है। ये ए हो गया आपका, ठीक। तो पॉइंट पी ए बी से ए डिस्टेंस पर है, और ध्यान दीजिएगा ये एंगल भी 90 होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या लेते हैं? परपेंडिकुलर। ऐसा तिरछा डिस्टेंस थोड़ी ना कर दोगे आप, ए को ऐसे थोड़ी ना बना दोगे तिरछा, है ना। अब इसी तरीके से इस पॉइंट पी की जो दूसरी बची हुई साइड है, यानी कि बी सी, इससे जो डिस्टेंस है वो कितनी है? बी है। तो ये एंगल भी 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी आपकी पी से लेके, इसका नाम एन रख दो, ठीक है, पी से लेके एन तक, ये कितना हो गया आपका? बी हो गया, करेक्ट। अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। ये हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि शो दैट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस। शो दैट द, आई थिंक मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। मैंने कुछ गलत यहाँ पर नोट कर दिया है क्या? शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज, यस लेट मी चेक इट। तो स्टूडेंट्स, ये मैक्सिमम नहीं होगा, ये मिनिमम होगा। और जो ओल्ड बुक है, सभी बच्चे करेक्शन कर लें, ये मिनिमम होगा, ठीक है। अभी मैंने न्यू एडिशन में चेक किया, मेरे पास ये, मैंने ओल्ड बुक से क्वेश्चन उतार लिया था, उसमें मैक्सिमम लिखा है, गलत लिखा है, ठीक है। शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस। जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है, ओल्ड बुक है, आप करेक्ट करो प्लीज़, बहुत मिस्टेक है ओल्ड बुक में। तो शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज ए टू द पावर 2/3 प्लस बी टू द पावर 2/3 की होल पावर 3/2। तो ये आपको शो करना है क्या? मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस, मतलब ये जो हाइपोटेन्यूस है एसी, इसकी आपको मिनिमम लेंथ, मतलब इस एसी को आपको क्या करना है? इस एपी एसी को आपको मिनिमम दिखाते हुए, इस एसी को आपको मिनिमम दिखाते हुए, इसकी जो लेंथ है वो आपको कितनी प्रूफ करनी है? वो आपको प्रूफ करनी है, यही एसी हाइपोटेन्यूस है, वो आपको प्रूफ करनी है ए टू द पावर 2/3 प्लस बी टू द पावर 2/3 की होल पावर 3/2, ठीक है। तो ये आपका टारगेट है। अब इस क्वेश्चन को करें कैसे? कुछ दिया भी तो है नहीं, ठीक है, बात समझो ना। पता है क्या, इस क्वेश्चन की अप्रोच थोड़ी सी अलग है, और वो अप्रोच इस तरीके से है, क्योंकि देखिए जब इन्होंने मेरे को बोला कि अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूस ऑफ अ ट्राइंगल इज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द दिस एंड दिस जो भी, ठीक है। तो जब इन्होंने बोला पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूस ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक, तो देखिए जरा एक बार बताऊं, राइट एंगल ट्राइंगल तो उन्होंने बोला है, बट इस ट्राइंगल की विशेषता नहीं बताई बच्चों, ओके। और जब इस ट्राइंगल की विशेषता इन्होंने नहीं बताई है, तो एक बात बताइए, आपका कोई अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उस ट्राइंगल की विशेषता क्या होगी?
उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं आपको अलग अलग राइट एंगल ट्राइंगल बना के दिखाता हूँ। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक, ये वाला एंगल 90 होगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखिए, ये एंगल 90 होगा, करेक्ट। इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखिए, ये एंगल 90 होगा। इस तरीके से दुनिया भर के बहुत सारे राइट एंगल ट्राइंगल हैं, सभी में ये वाला एंगल तो क्या होगा, 90, ऑब्वियसली ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 होगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज की बात करी गई। बट इन सभी ट्राइंगल्स में स्टूडेंट्स, ये वाला जो एंगल होगा ये अलग अलग होगा। यहां पर ये थीटा वन होगा, यहां पर ये थीटा टू होगा, यहां पर ये थीटा टू होगा, थीटा थ्री होगा। यानी कि सभी ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल हैं, बट सभी ट्राइंगल्स के यहां पर जो ये एंगल हैं, और ऑब्वियसली ये एंगल अगर थीटा वन है तो ये कुछ ना कुछ होगा, वो आप निकाल सकते हो 180 में से माइनस करके, तो शायद 90 माइनस थीटा वन आएगा, जो भी, ठीक है। और ये थीटा टू, ये थीटा थ्री, तो मेरे कहने का ये मतलब है ये सभी एंगल वेरी करते हैं। यानी कि सभी राइट एंगल ट्राइंगल्स में ये एंगल तो 90 होता है, बट ये वाला और ये वाला एंगल, बचे हुए दोनों एंगल वेरी करेंगे, ठीक है। तो ये बात है, इस बात पे आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए पता है यहां पर आपको कोई वेरिएबल भी तो पकड़ना पड़ेगा भाई, वेरिएबल क्या है हमारा, ठीक है। तो अगर आपको यहां पर कोई वेरिएबल पकड़ना है तो आप उस वेरिएबल को थीटा लीजिए, क्योंकि अलग अलग राइट एंगल ट्राइंगल में ये थीटा चेंज होता है, और ऑब्वियसली अगर ये चेंज होगा तो ये एंगल भी चेंज होगा। इस पे फोकस ना करके हम केवल इस वाले एंगल पे फोकस करते हैं, बिकॉज ये चेंज होने से ही तो ये चेंज होगा, ठीक। तो सुनो मेरी बात, सुनो सुनो सुनो, पता है क्या, हमने इस एंगल को अगर थीटा अज्यूम करा, करेक्ट, और हमने इसलिए अज्यूम किया कि भैया हमने मान लिया कि थीटा हमारा, मतलब ये वाला जो एंगल है यहां पे बन रहा है ये थीटा है, तो उस टाइम जब हमने इस एंगल को थीटा लिया तो ये थीटा हमारा वेरिएबल है, हमने आपको दिखा दिया ये थीटा हमारा वेरिएबल है, यानी कि जो भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे इस वेरिएबल थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, और हम थीटा की ही कोई ना कोई वैल्यू निकालेंगे जो कि क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, ठीक है। किसके लिए पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, एसी के लिए, ठीक। तो एक थीटा की हम वैल्यू निकालेंगे जिस पे एसी मिनिमम होगा, और जब वो थीटा हमको पता चल जाएगा तो हम एसी की लेंथ निकाल लेंगे और इतनी आ जाएगी। तो कहानी शुरू करते हैं, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें चीज था कि हम थीटा यहां क्यों अज्यूम करें, है ना, बिकॉज दुनिया भर के बहुत सारे राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं और सभी में अंतर यही होता है, सभी की विशेषता अपनी अपनी होती है कि सबका थीटा अलग अलग होता है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये बीसी जो है वो एमपी के पैरेलल है, ये तो सबको पता है, क्यों, ये देखिए ना, अरे साफ साफ दिख रहा होगा यार, दिस पैरेलल टू दिस, क्यों, क्योंकि ये एक ट्रांसवर्सल है और ये एंगल 90 90, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो ये दोनों पक्का पैरेलल है, कौन, बीसी इज पैरेलल टू व्हाट, एमपी, ओके। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा हो जाएगा, कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल मेरे ख्याल से, क्योंकि बीसी इज पैरेलल टू व्हाट, एमपी, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो ये देखो ना, अगर कुछ ऐसी स्थिति हो और यहाँ पे अगर ट्रांसवर्सल लाइन हो तो ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं कि नहीं होते, बताओ, तो वही स्थिति है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये अगर थीटा ज़ूम किया तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इतनी भी बात समझ में आ गई हम लोगों के। अब क्या करते हैं, अब देखिए आपको निकालना क्या है, आपको ए सी निकालना है, तो आपको दिख रहा होगा कि भाई ये जो ए सी है ये सम है किसका, किसका, ए पी का और पी सी का। यानी कि अगर AC मैं निकालना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि भाई AC इज गिवन बाय AP प्लस PC, ठीक है, AC इज इक्वल टू व्हाट, AP प्लस PC, करेक्ट। अब क्या करें, क्या हम AP फाइंड कर सकते हैं, यस, इन ट्राइंगल AMP, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल AMP, ओके, इस ट्राइंगल में अगर हम क्या लगा दें, अगर हम लगा दें, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये तो सबको याद होगा, ठीक है। अगर हम इसमें साइन लगा दें तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, कोई फायदा नहीं। अगर हम इसमें कॉस लगा दें तो बेस अपॉन हाइपो, ये रहा बेस और हाइपो क्या हो जाएगा, एपी, बिल्कुल सही। तो ट्राइंगल एएमपी में आप लगा दीजिए क्या, कॉस थीटा, तो यदि आप कॉस थीटा लगा देंगे इसमें तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। तो इस ट्राइंगल को देखिए, एएमपी को दिख रहा है, तो कॉस थीटा के लिए बेस कितना है, बेस है आपका एमपी, करेक्ट, डिवाइडेड बाय हाइपो। तो इस ट्राइंगल में हाइपो क्या है, 90 के सामने वाला है, यानी कि एपी, करेक्ट। अब इसको थोड़ा सा यदि हम सॉल्व करें तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एमपी की वैल्यू कितनी, एम से लेके पी तक ए है और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिकॉज पॉइंट पी की डिस्टेंस परपेंडिकुलर ए बी से स्मॉल ए थी और स्मॉल ए गिवन है, अपॉन एपी, करेक्ट, ऐसा कुछ हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है एपी का वैल्यू, देखिए एपी का वैल्यू निकालना है थीटा के टर्म्स में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा,
क्या कर सकते हैं, देखिए कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1/sin, 1/ sec थीटा, अरे इतना तो पता होगा, कॉस थीटा क्या लिख सकते हो, 1/ sec थीटा ही तो कॉस थीटा होता है। तो इस कॉस थीटा को हमने 1/ sec थीटा लिखा, इज इक्वल्स टू a/ ap, करेक्ट। ap क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, ap इंटू 1 ap, तो इज इक्वल्स टू a इंटू sec थीटा, तो ap इज इक्वल्स टू a इंटू sec थीटा आ गया। चलो बहुत बढ़िया, अब यहां से आ गया हम लोगों के पास ac इज इक्वल्स टू, ap की वैल्यू आ गई कितनी, a इंटू sec थीटा, अब प्लस pc, अगर आप pc निकालोगे तो pc आपको कहां से मिलेगा, ट्राइंगल pcn से, ओके। इतना कॉपी कर लीजिए, कर लिया होगा, हटा दे रहा हूं, ठीक है, बहुत इजी चीज है, हर एक बच्चा कर सकता है, ठीक है। अब आप देखिए ट्राइंगल pnc में साइन थीटा लगा दीजिए, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल pnc साइन थीटा यदि आप लगाओगे तो क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर कितना है b, अरे चेक करो परपेंडिकुलर कितना है b है ना, इसके लेंथ pn की, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, हाइपो कितना है pc। अब pc की वैल्यू निकालने के लिए साइन को हम 1/ cosec लिख सकते हैं, तो साइन को हमने 1/ cosec थीटा लिखा, cos नहीं है ये, cosec थीटा है, 1/ cosec थीटा, b/ pc, pc इधर जाएगा तो pc into 1, pc is equals to b into cosec थीटा, तो b into cosec थीटा, तो pc की वैल्यू भी हम वेरिएबल थीटा और जो नोन क्वांटिटी है a और b, यानी कि b के टर्म्स में निकालने में कामयाब हो गए, बहुत बढ़िया। तो pc की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी b into cosec थीटा, ओके। इतनी कहानी होगी, इसको कॉपी कर लीजिए। अब क्या करेंगे, अब थीटा वेरिएबल है और मैंने आपको बताया था इसी थीटा के वेरी करने से अलग अलग ट्राइंगल का जन्म होगा, अलग अलग राइट एंगल ट्राइंगल का जन्म होता जाएगा जब थीटा वेरी करेगा, और अलग अलग राइट एंगल ट्राइंगल का यदि जन्म होता जाएगा स्टूडेंट्स, तो अलग अलग राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूस भी तो अलग अलग होते हैं, यानी कि ये जो हाइपोटेन्यूस है ये किस पे डिपेंड करता है, इस एंगल थीटा पे, और इसी हाइपोटेन्यूस को आपको मिनिमम करते हुए इसकी लेंथ को इतना प्रूव करना है, ठीक है। अब क्या करें, देखिए इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डिफरेंशिएटिंग ए सी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ओके। तो डी बाय डी थीटा ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू, ध्यान से चेक करिए, ए तो कॉन्स्टेंट है, सेक थीटा का डेरिवेटिव, सेक थीटा इंटू टैन थीटा, सेक थीटा इंटू टैन थीटा, ये तो सबको याद होगा, प्लस बी इंटू कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, तो माइनस आ जाएगा आगे, माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ओके। तो ये आ गया आपके पास डेरिवेटिव। अब हमको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, हमने आपको बताया था कि थीटा की एक ऐसी वैल्यू निकालिए, ठीक है, जो कि पॉइंट ऑफ मिनिमा हो, किसके लिए, एसी के लिए, एसी के लिए, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इस थीटा को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको जीरो के इक्वल रखते हैं, यानी कि इसको आप उठा के जीरो के इक्वल रख दीजिए, तो यह आ जाएगा आपके पास ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा माइनस बी इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, करेक्ट। अब देखिए नेगेटिव वाली क्वांटिटी को राइट में भेजोगे, ये पूरी क्वांटिटी उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि हमारे पास आ जाएगा ए इंटू सेक थीटा इंटू टैन थीटा इज इक्वल्स टू, ये माइनस ऑफ बी है, उधर जाएगा तो प्लस ऑफ बी हो जाएगा, यानी कि बी इंटू कॉसेक थीटा, ये पूरी एक ही क्वांटिटी नेगेटिव है, उधर जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, ये ऐसा हो गया, ठीक है, बी कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, पता है क्या, देखिए हम एक काम करते हैं, ए इंटू सेक थीटा को आप वापस से 1/ कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, इंटू टैन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब यहां पर बी इंटू कॉसेक थीटा को हम लोग 1/ साइन थीटा लिख सकते हैं, और इंटू कॉट थीटा को हम लोग कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये हो जाएगा ए इंटू 1 इंटू साइन थीटा, ए साइन थीटा हो जाएगा ये, ठीक है, तो यहां पर हो गया हम लोगों के पास ए साइन थीटा और अपॉन में कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू बी इंटू, यहां पे देखिए बी इंटू 1 बी इंटू कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा, यानी कि यहां पर आ गया हम लोगों के पास बी कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय साइन इंटू साइन होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, हम एक काम कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दें, ठीक है, तो देखिए ए साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ए तो ऐसे ही रहेगा और सभी बच्चों को पता है साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू
इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो बी कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बी इंटू कॉस क्यूब थीटा, करेक्ट। अब एक काम करते हैं, पता है क्या हम एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, हम ए इंटू कॉस क्यूब थीटा से बोथ साइड डिवाइड लगा देते हैं, किससे? डिवाइडिंग बाय ए इंटू कॉस क्यूब थीटा। अब ऐसा मैंने क्यों सोचा ये भी आपको पता चलेगा, ठीक। अब देखिए कॉस क्यूब थीटा से कॉस क्यूब थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन, तो साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब क्या हो जाएगा टेन क्यूब थीटा, ठीक है ना। तो आ जाएगा आपके पास किसका वैल्यू, टेन क्यूब थीटा का वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगा। इतना कॉपी कर लीजिए इधर का, कर लिया। चलो अब देखो यहाँ से हम लोगों के पास आ गया किसका वैल्यू, टेन क्यूब थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई, ओके। चलो तो यहाँ से आ गया आपके पास टेन क्यूब थीटा, क्योंकि साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब टेन क्यूब होता है, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड बी अपॉन ए बचा है आपके पास, क्योंकि कॉस क्यूब कैंसिल हो गया, ये हो गया। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो टेन थीटा का होल क्यूब, करेक्ट। टेन थीटा का होल क्यूब इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए। अब देखिए यहाँ पर टेन थीटा का होल क्यूब है, तो यहाँ से हम क्यूब हटाएंगे तो यहाँ पर क्यूब रूट लगेगा, ये सभी बच्चों को पता है। और एक बात बताऊँ, सुनो, ए और बी लेंथ था, ए भी लेंथ था और बी भी क्या था, लेंथ था। तो अगर ए और बी लेंथ है तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, बी अपॉन ए पॉजिटिव होगा, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, तो बी भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है। तो ज़्यादा हमें टेंशन नहीं लेना है, यानी कि जो टैन थीटा की वैल्यू आने वाली है वो पॉजिटिव ही आएगी, ओके। तो अब देखिए जरा क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा आपके पास टैन थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्यूब हटाओ तो इसका क्यूब रूट ले लोगे, और क्यूब रूट लेने का सभी बच्चों को मतलब पता होगा कि हम पावर कितनी कर देते हैं, 1/3 कर देते हैं, ठीक है। तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए की होल पावर 1/3। अब बच्चे बोलेंगे सर थीटा नहीं निकाला, अरे निकाल लो थीटा, क्या हो जाएगा टैन उधर चलेगा तो टैन इनवर्स हो जाएगा, लो ठीक है। थीटा इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ वॉट, बी अपॉन ए की होल पावर 1/3। लेकिन ध्यान रहे बच्चों क्या, कि जब थीटा इतना है, ठीक है, इफ थीटा इतना है तभी तो टैन थीटा कितना है, बी अपॉन ए की होल क्यूब है कि नहीं, बताइए, है ना। तो हम चाहे ये बोलें कि थीटा इज इक्वल्स टू इतना है, या हम बोलें टैन थीटा इज इक्वल्स टू इतना है, सॉरी, बी अपॉन ए की होल पावर 1/3, ओके। हम बोलें टैन थीटा इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स बी अपॉन ए की होल पावर 1/3 है, या हम बोलें टैन थीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए की होल पावर 1/3 है, बात क्या है, सेम ही तो है, ठीक है। अब ये आ गया आपके पास क्रिटिकल पॉइंट। अब हमको चेक करना है कि इस थीटा पे ये जो हमारा एसी है ये क्या है, मिनिमम है कि नहीं है। अब इसके लिए क्या करें, यहीं पे बच्चे परेशान हो रहे होंगे, ठीक है, इसको हटा दें। अब देखिए यहीं पे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे होंगे कि हम इसको पॉइंट ऑफ मिनिमा कैसे दिखाएं। तो इसके लिए क्या करना है आपको, आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करिए, क्या करिए, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करिए, ठीक है। और उसको करने के लिए मैंने पता है कैसे किया, मुझे जो समझ में आया वो मैंने ऐसे किया था, देखो कैसे किया था मैंने, पहले मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, डी बाई डी थीटा ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू, बताता हूँ मैं कैसे सिंप्लीफाई कर लिया, मैंने इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, कैसे सिंप्लीफाई कर लिया, देखिए सेक को मैंने लिखा था कॉस, सॉरी सेक को लिखा मैंने 1/cos, इंटू टैन को मैंने लिखा था साइन अपॉन कॉस, अब बताऊँगा अभी ऐसा क्यों हुआ, माइनस बी इंटू कॉसेक को मैंने लिखा था 1/sin, इंटू कॉट को लिखा था मैंने, आपको जैसे समझना है आप वैसे कर लो, बट जो मैंने सॉल्व किया था वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ए इंटू वन इंटू साइन थीटा, तो ये हो गया था मेरा ए साइन थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस बी इंटू वन इंटू कॉस थीटा हो गया था बी कॉस थीटा अपॉन साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, ओके। अब मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया था, आप भी ले लीजिए, ठीक है, या अगर आप एलसीएम नहीं लेना चाहते हैं तो आप बस ऐसे ही छोड़ दीजिए, हाँ ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। और ये जो एसी है इसको हम लोग कहीं नोट कर लेते हैं, बिकॉज अभी मुझे काम पड़ेगा, ठीक है। तो जो एसी आया है मेरा वो कितना है, ए इंटू सेक थीटा और प्लस बी इंटू कॉसेक थीटा, और इसी एसी की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। तो अब यहाँ से आ गया आपके पास डी ए सी अपॉन डी थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव था इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया तो ये ऐसा हो गया। अब मैंने क्या किया था, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया था, मैंने इसको ना करके, ये मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, है ना, तो इसको ना सॉल्व करके, इसको ना डिफरेंशिएट करके अगेन मैंने इसको डिफरेंशिएट किया। भाई ध्यान चेक करो ना, डी ए बाय डी थीटा
ऐसा लिखो और चाहे ऐसा लिखो, बात क्या है, सेम है, बस सिंप्लीफाई किया है, ट्रिग्नोमेट्री लगाई है थोड़ी सी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव तो यहां लगा नहीं पाओगे आप, है ना, तो आप क्योंकि कोई नंबर नंबर तो दिया नहीं है, तो हम सेकंड डेरिवेटिव का हेल्प लेंगे। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा, डी टू ए सी बाय डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखिए इसका डेरिवेटिव आप क्वेश्चन रूल से करोगे, कैसे, ए ऐसा ही रहेगा, ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करो थीटा के साथ, तो क्या होता है, डिनोमिनेटर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इन टू डी बाय डी थीटा ऑफ न्यूमरेटर, ओके, और माइनस न्यूमरेटर यानी कि साइन थीटा इन टू डी बाय डी थी, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ए सी की वैल्यू इतनी लानी, आपकी कॉपी में लिखा होगा। तो डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये हो गया आपका, और डिवाइडेड बाय ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है यानी कि डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करते थे तो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, करेक्ट, अभी ये बचा हुआ है तो माइनस बी को आप बाहर रहने दीजिए और अंदर क्वेश्चन टूल लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू d बाय डी थीटा ऑफ न्यूमरेटर यानी कि d बाय डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, और माइनस न्यूमरेटर यानी कि कॉस थीटा इन टू डी बाय डी थीटा ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि d बाय डी थीटा ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करिएगा, जगह की कमी है, ये वाला पॉइंट a है ट्राइंगल का, ठीक है, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, करेक्ट, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, a और cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान समझिए, देखिए साइन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में cos थीटा होता है, सभी बच्चों को पता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, cos थीटा, और cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, cos क्यू थीटा, ठीक है, माइनस, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा तो ऐसे ही रहेगा, देखो cos स्क्वायर थीटा का करोगे तो क्या आएगा, 2 cos थीटा, तो 2 आ जाएगा आगे और हो गया यहाँ पर cos थीटा इन टू, अभी देखो cos स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, cos थीटा का होल स्क्वायर ना, तो पहले पूरे का करोगे तो 2 आएगा आगे, 2 cos थीटा हो जाएगा, फिर cos थीटा करोगे तो आएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस जब आएगा तो वो यहाँ पे प्लस कर देगा और साथ में आ जाएगा क्या, साइन थीटा, ठीक, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, करेक्ट, माइनस यहाँ पे चेक करिए b इन टू, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा तो ऐसे रहेगा, कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस आएगा आगे साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो साइन क्यूब कर देगा, उसको माइनस आगे लगा दिया और एक साइन थीटा यहाँ से आएगा, हाँ मल्टीप्लाई करके साइन क्यूब थीटा, ठीक है, फिर माइनस, अब देखिए कॉस थीटा तो ऐसे ही रहेगा, करेक्ट, और साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टू इन टू साइन थीटा, और ध्यान दें फिर साइन थीटा का करोगे तो आ जाएगा कितना, कॉस थीटा, भाई इसको साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखोगे, पहले पूरे का करोगे, टू आगे आएगा, टू साइन थीटा हो जाएगा, फिर साइन थीटा करोगे तो कॉस थीटा आएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, करेक्ट, ऐसा हो गया कुछ। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास, देखते हैं कुछ कहानी बनती है इसमें कि नहीं, ए इन द ब्रैकेट कॉस क्यूब थीटा और प्लस, देखिए टू इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाय, ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए टू इंटू टू कितना हो जाएगा, फोर, है ना, तो कॉस की पावर फोर थीटा हो जाएगा, जिसको मैं कॉस थीटा इंटू कॉस की पावर थ्री थीटा लिख सकता हूँ, भाई ये कॉस की पावर फोर थीटा, इसको कॉस थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा लिख दिया, ठीक है, उसका कारण है बताऊंगा आपको। अब देखिए बच्चों, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी अंदर से माइनस कॉमन ले लो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो गया यहाँ, अब भी और अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि अब यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा तो प्लस टू इंटू, देखो कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर होता है, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू साइन थीटा, करेक्ट, और नीचे जो आपके पास साइन की स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, उसको आप लिख सकते हो क्या, साइन की पावर फोर थीटा, और साइन की पावर फोर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, ऐसे किया था मैंने। अब ये बहुत सिंपली हो गया, अभी हमें समझ में आ जाएगा, इतना आप कॉपी कर लीजिए फटाफट, कर लिया, चलो अब देखो जरा क्या होता है यहाँ पर, क्योंकि जो डेरिवेटिव
अगर आप इसका कहीं सॉल्यूशन देखोगे तो वो सिंपली बोल देंगे क्लियरली वी कैन शो दैट डी टू बाय ए सी बाय डी थीटा स्क्वायर इज पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो फॉर थीटा इज इक्वल्स टू दिस, बट वहां तो एग्जाम में करके दिखाना पड़ेगा ना, तो ये थोड़ा सा बच्चे परेशान होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कॉस कॉमन ले लीजिए, तो कॉस थीटा यदि आप कॉमन ले लोगे न्यूमरेटर में से, तो यहाँ कॉस क्यूब थीटा था, एक कॉस बाहर चला गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा और प्लस टू इन टू, एक कॉस बाहर चला गया तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने कॉस की पावर फोर को कॉस थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा क्यों लिखा था, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और प्लस बी, और यहाँ से हम लोग साइन कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा, अंदर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस टू इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, टू इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ओके, और डिवाइडेड बाय साइन थीटा ओके इंटू साइन क्यूब थीटा, करेक्ट, ये हो गया। अब देखिए साइन से साइन चला गया, ठीक है, अब आपके पास फाइनली आ गया डी टू ए सी बाय डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इन द ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा ओके। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इस टू साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, टू साइन स्क्वायर होता है ना, इसको हमने साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिख लिया और नीचे हो गया कॉस क्यू थीटा प्लस बी इन द ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा और टू कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख लोगे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओके एंड होल डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा। अब ये हो जाएगा आपके पास कितना, देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन होता है, तो वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब थीटा और प्लस बी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन हो जाएगा, यानी कि वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा। तो स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, ये आ गया आपका क्या डी टू ए सी बाय डी थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करिए कि आप एक ट्राइंगल बनाइए छोटा सा, देखिए बात समझिए, एक ट्राइंगल बनाइए छोटा सा, ठीक है, और इस ट्राइंगल को अगर आप बनाएं तो टैन थीटा कितना है मेरा, बी अपॉन ए की पावर वन अपॉन थ्री। अब ध्यान से चेक करिए इसका क्या मतलब है, इसका यही है, तो टेंथ क्लास वाला मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए ये पावर बी को भी मिलेगी ए को भी मिलेगी, यानी कि बी की पावर वन अपॉन थ्री और अपॉन ए टू द पावर वन अपॉन थ्री, करेक्ट। और यदि हम यहाँ थीटा बना लें तो टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बी की पावर वन अपॉन थ्री, ठीक है, और बेस कितना हो जाएगा ए की पावर वन अपॉन थ्री, ए कोई नंबर है तो ए की पावर वन अपॉन थ्री, यानी कि क्यूब रूट ऑफ ए भी कोई नंबर होगा। तो इस ट्राइंगल की, उस ट्राइंगल को छोड़ो, ये जो टैन थीटा आया है, टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ओके। तो इसके लिए हमने एक नया ट्राइंगल बनाया जैसे हम क्लास टेंथ में बनाते थे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर कितना, बी की पावर वन अपॉन थ्री और बेस कितना, ए की पावर वन अपॉन थ्री। यहाँ से अगर इस ट्राइंगल का नाम हम पी क्यू और आर रख दें तो क्या इस ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर पी आर नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, पी आर तो आप निकाल ही सकते हो, ठीक है, और साथ में आप यस चलिए पी आर पहले आप निकालिए फिर मैं बात करता हूँ। तो देखिए पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, हाइपो का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि बी की पावर वन अपॉन थ्री का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि ए की पावर वन अपॉन थ्री का स्क्वायर, करेक्ट। अब ये स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब ये जो पावर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी की पावर देखो वन अपॉन थ्री इंटू टू टू अपॉन थ्री, तो बी की पावर टू अपॉन थ्री और प्लस ए की पावर टू अपॉन थ्री, ठीक। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ स्क्वायर रूट आपको लगाना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, और प्लस माइनस आगे नहीं लगाएंगे क्योंकि पी आर एक तरीके की लेंथ है, तो केवल पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका हाइपो आ गया स्टूडेंट्स, वो आ गया कितना, स्क्वायर रूट ऑफ बी की पावर टू बाय थ्री और प्लस ए की पावर टू बाय थ्री, ऐसा आ गया, ठीक है। इतना कॉपी कर लीजिए, कर लीजिए, कर लिया, चलो अब ध्यान से चेक करिए। अब इस ट्राइंगल से आप साइन थीटा निकाल सकते हैं बताइए, तो आराम से अगर आप साइन थीटा यहाँ से निकालें तो जो आपका साइन थीटा हो जाएगा, कहाँ पे निकालने इसकी ज़रूरत अभी पड़ेगी, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, चलो
देखिए, अगर इस ट्राइंगल में हम साइन थीटा लगाएं, ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ठीक। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर है बी टू द पावर 1/3, और हाइपो कितना है, रूट ओवर बी टू द पावर 2/3 और प्लस ए टू द पावर 2/3। मतलब समझिए, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब थीटा हमारा इतना है, टेन प्लस बी अपॉन ए की पावर 1/3, मतलब टेन थीटा इतना है, तो उस टाइम साइन थीटा कितना है, उस टाइम साइन थीटा इतना है, बिकॉज इसी टेन थीटा की हेल्प से आपने ये ट्राइंगल बनाया था और आपने साइन थीटा निकाला। और अगर हम यहीं पे आपसे पूछें कि भाई कॉस थीटा कितना होगा, तो बेस अपॉन हाइपो होगा। बेस कितना है, ए की पावर 1/3 अपॉन हाइपो, यानी कि बी टू द पावर 2/3 और प्लस ए टू द पावर 2/3, करेक्ट। तो जिस टाइम आपका क्रिटिकल पॉइंट जो आपने निकाला था थीटा, अगर इतना है तो उस टाइम आपका साइन इतना है और कॉस इतना है। अब मुझे आप देख के बताइए कि यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको वैल्यू किसकी किसकी चाहिए, आपको चाहिए साइन स्क्वायर की वैल्यू और आपको कॉस क्यूब की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो क्या आप यहां पे रख के दिखाओगे, रख के दिखाना हो तो दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो साइन स्क्वायर जो हो जाएगा आपका, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, b की पावर, इसका स्क्वायर करो तो ये b की पावर 2/3, और नीचे स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी कि b की पावर 2/3 और प्लस a की पावर 2/3, ठीक है। और cos स्क्वायर थीटा यदि आप करोगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर 2/3 अपॉन, भाई इसका स्क्वायर करोगे तो 2/3 हो जाएगा और नीचे स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी कि b की पावर 2/3 और a की पावर 2/3, ठीक। तो आप करना क्या है, बात ये है कि d2ac by d थीटा स्क्वायर, ये जो सेकंड डेरिवेटिव है कहां पर, एट थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स b अपॉन a की पावर 1/3 पर, इस क्रिटिकल पॉइंट पर। अब भैया सुनो, थीटा अगर इतना है तभी तो साइन इतना है, तभी तो कॉस इतना है, तभी तो साइन स्क्वायर इतना है, तभी तो कॉस स्क्वायर इतना है, यानी कि इस क्रिटिकल पॉइंट पे अगर आप साइन स्क्वायर की ये वाली वैल्यू यहां रखें और कॉस स्क्वायर की वैल्यू ये वाली यहां पे रखें, ठीक है, और इसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, साइन क्यूब भी निकाल सकते हो। साइन क्यूब कैसे निकालोगे, साइन क्यूब निकाल लो, इसकी पावर क्या कर दो, देखो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक, साइन क्यूब थीटा यदि आप निकालो तो इसका क्यूब हो जाएगा, जब इसका क्यूब करोगे तो यहां पे 3 मल्टीप्लाई होगा तो बी की पावर 1 हो जाएगा, बी अपॉन स्क्वायर रूट की पावर होल पावर 3 हो जाएगा, क्यूब किया है ना दोनों तरफ ये, ठीक है। और कॉस क्यूब यदि आप करोगे तो इसका दोनों साइड क्यूब कर दो, ये ए की पावर 1 हो जाएगा, यानी कि केवल ए हो जाएगा और इसका क्यूब हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ, भाई ये क्यूब जब करोगे इसको भी क्यूब मिलेगा और इसको मिलेगा, तो बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 2/3 का होल क्यूब। अब एक बार बताओ, एक बार बताओ मुझे ध्यान से, एक बार बताओ, ये सब वैल्यूज उठा के अगर हम इसमें रखें, ठीक, तो सुनो ए और बी तो लेंथ था कि नहीं था, तो ए और बी अगर लेंथ था, ए और बी अगर पॉजिटिव है, तो ए की पावर कुछ भी हो और बी की पावर कुछ भी हो तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। अरे लेंथ है पॉजिटिव की क्वांटिटी, पॉजिटिव की पावर, पॉजिटिव किसी पॉजिटिव पावर की नंबर, किसी पॉजिटिव नंबर की पावर आप कुछ भी रखो, आंसर हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव है क्योंकि ए और बी लेंथ था, और ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, चेक कर लीजिए, ए तो था ही पॉजिटिव। और अगर आप साइन स्क्वायर कॉस क्यूब की वैल्यू यहां रखोगे तो ये भी पॉजिटिव, क्योंकि वन पॉजिटिव वन में पॉजिटिव ऐड होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव ऑन पॉजिटिव 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 इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां पर भी सब कुछ पॉजिटिव। तो ये जो हो गया आपका डी टू ए सी बाई डी थीटा स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए की पावर 1/3 इज ग्रेटर देन व्हाट, 0। तो थीटा इज इक्वल टू जब इतना है तो हमारा सेकंड डेरिवेटिव कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब सुनिए मेरी बात, बात ये है स्टूडेंट्स क्या कि एग्जाम में हम कहां तक करें, तो सुनो मेरी बात, एग्जाम में पता है आप क्या करोगे, मैं बता रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, आप सिर्फ इतना करना, साइन थीटा निकाल के दिखा देना, कॉस थीटा निकाल के दिखाना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मत निकाल के दिखाना, साइन क्यूब कॉस क्यूब मत निकाल के दिखाना, ये जो आपका सेकंड डेरिवेटिव आया आप बोल देना कि क्लियरली फॉर थीटा इज इक्वल टू दिस, दिस डेरिवेटिव इज व्हाट, दिस सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। क्लियरली समझ में आता है यार कि अगर साइन थीटा कॉस थीटा इतना है, क्योंकि भाई साइन थीटा कॉस थीटा दोनों ही पॉजिटिव हैं, चेक करो ना, ये भी पॉजिटिव है साइन थीटा और ये भी, क्योंकि ए और बी पॉजिटिव थे तो ये पूरा पॉजिटिव है, ये पूरा पॉजिटिव है, तो साइन थीटा कॉस थीटा अगर पॉजिटिव है तो साइन का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, कॉस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, साइन क्यूब भी पॉजिटिव होगा, कॉस क्यूब भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो भैया ये पूरा पॉजिटिव होगा, ये पूरा, तो आपको निकालना नहीं, आपको सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यू निकाल के देनी है और ये दोनों ही ग्रेटर देन जीरो हैं,
बस खत्म कहानी। तो डी टू ए सी बाई डी थीटा स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब जो आपने पॉइंट निकाला था थीटा, तो ये थीटा क्या है आपका, जब हमारा सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो थीटा क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्हाट, लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो इसका मतलब ये जो थीटा आया है ये हमारा एसी के लिए क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो यानी कि एट थीटा इज इक्वल्स टू दिस एसी इज मिनिमम, एसी क्या हो गया मिनिमम। अब जब एसी मिनिमम हो ही गया है यहां पर, तो हम एक काम करते हैं एसी की वैल्यू निकाल लेते हैं, और एसी हमको इतना प्रूफ करना था, एसी ही तो हाइपोटेन्यूज था, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम एसी फाइंड करेंगे, ठीक है। ये सब मैंने साइन स्क्वायर कॉस क्यूब साइन क्यूब निकाल के इसलिए दिखाया ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए, ठीक है। चलो अब ये ठीक, चलो अब ध्यान से चेक करिए कि एसी कितना है आपका, एसी आपका ए इंटू सेक थीटा, ओके, और प्लस बी इंटू कॉसेक थीटा। अब मैं आशा करता हूँ इतना तो आपको पता ही होगा, इस साइन को आप क्या लिख सकते हो बताओ, साइन को आप क्या लिख सकते हो, वन अपॉन कॉसेक लिख सकते हो, हाँ सुनो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वन अपॉन कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू बी की पावर वन बाय थ्री डिवाइडेड बाय क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ बी टू द पावर टू बाय थ्री प्लस ए टू द पावर टू बाय थ्री। बोथ साइड रेसिप्रोकेट कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो कॉसेक थीटा अपॉन वन क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू, ये पलट जाएगा, जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन जाएगा, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर, यानी कि बी की पावर टू बाय थ्री और प्लस ए की पावर टू बाय थ्री अपॉन बी की पावर वन बाय थ्री, ठीक। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू आ गई, यहाँ ले आके रख दो, तो ए सी इज इक्वल्स टू, और इसी तरीके से आप सेक थीटा भी निकाल लेंगे। अब तो आप समझ लो कॉस को वन अपॉन सेक लिखिएगा, ये पलट जाएगा, सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, इसको पलट दो, तो सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ बी टू द पावर टू बाय थ्री और प्लस ए टू द पावर टू बाय थ्री अपॉन ए टू द पावर वन बाय थ्री और प्लस बी इंटू कॉसेक थीटा, मैंने आपको निकाल के दिखाया है, स्क्वायर रूट ऑफ बी टू द पावर टू बाय थ्री और प्लस ए टू द पावर टू बाय थ्री और डिवाइडेड बाय बी टू द पावर वन बाय थ्री। तो होता क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस बच्चे बेवजह डरते हैं कि कैलकुलेशन ऐसा है वैसा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, वो जगह ए सी इज इक्वल्स टू, अब देखो ए की पावर क्या है वन, यहाँ पर ए की पावर वन अपॉन थ्री, तो इतने पोर्शन को देखो, अगर हम इसको ऊपर भेजें बेस से में तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि ए की पावर वन माइनस वन बाय थ्री, इन दोनों को सॉल्व किया, इन टू हो जाएगा आपके पास बी की पावर टू बाय थ्री और प्लस ए की पावर टू बाय थ्री, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर बी है, यानी कि बी की पावर वन अपॉन थ्री, और ये पूरा अगर आप लोगे तो बी की पावर वन और बी की पावर वन अपॉन थ्री, इसको ऊपर भेजोगे तो पावर बेस से में पावर सब्ट्रैक्ट, तो बी की पावर वन माइनस वन बाय थ्री इन टू रूट ओवर बी की पावर टू बाय थ्री और प्लस ए की पावर टू बाय थ्री, करेक्ट, ये हो गया। अब क्या करें, अब क्या करें, सॉल्व करेंगे अब, तो ये हो जाएगा ए सी इज इक्वल्स टू, देखो थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन कितना होता है टू, यानी कि ए की पावर टू बाय थ्री, थ्री माइनस वन टू, अरे वन अपॉन वन लिखो, एलसीएम ले लोगे, वन माइनस वन अपॉन थ्री क्या होता है टू अपॉन थ्री, तो होता है इन टू। अब देखो इसको रीअरेंज कर लो, ये हो जाएगा ए की पावर टू पॉइंट थ्री पहले लिख लो, बी की पावर टू पॉइंट थ्री बाद में, क्योंकि जो आंसर लाना है मुझे ए की पावर टू पॉइंट थ्री प्लस बी की पावर टू पॉइंट थ्री के फॉर्म में लाना है, ठीक है। ये भी हो जाएगा क्या, बी की पावर टू बाय थ्री इन टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर भी ए की पावर टू बाय थ्री और प्लस बी टू द पावर टू बाय थ्री हमने लिख लिया, करेक्ट। तो आप देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम एक ब्रैकेट डाल दें तो आप क्लियरली देख रहे हैं ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है, रूट ओवर ए की पावर टू पॉइंट थ्री प्लस बी की पावर टू पॉइंट थ्री कॉमन आ रहा है, तो ए सी हो जाएगा हमारे पास, हमने कॉमन ले लिया स्क्वायर रूट ऑफ ए टू द पावर टू बाय थ्री और प्लस बी टू द पावर टू बाय थ्री को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ फर्स्ट टर्म से ये चला गया, क्या बचा, यहाँ पे बचा ए टू द पावर टू बाय थ्री और प्लस ये सेकंड टर्म से रूट वाला बाहर चला गया, तो क्या बचा बी टू द पावर टू बाय थ्री, करेक्ट। अब ए सी इज इक्वल्स टू, एक बार बताओ अगर स्क्वायर रूट एक्स होता था तो आप इसको एक्स की पावर वन अपॉन टू लिखते थे, ठीक। तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी है तो अगर हम स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ए की पावर टू बाय थ्री और प्लस बी की पावर टू बाय थ्री की होल पावर, ये स्क्वायर रूट हटाया तो इसकी होल पावर वन अपॉइंट टू इन टू, अब ये वाले ब्रैकेट को नॉर्मल ब्रैकेट अगर हम लगा लें, ध्यान से चेक करो, ये लिखा है ए की पावर टू पॉइंट थ्री प्लस बी की पावर टू पॉइंट थ्री की पावर वन ही तो है, कुछ नहीं है, तो ठीक है, तो इसकी पावर कितनी हो गई, ए की पावर टू बाय थ्री और प्लस बी की पावर टू बाय थ्री की होल पावर वन। अब एक बार बताओ
ये देखो अंदर बेस क्या है सेम, बात समझो, ये ए टू द पावर 2.3 प्लस बी टू द पावर 2.3 अगर हम इसको एक क्वांटिटी अज्यूम करें, तो अगर आपके पास ऐसा होता, सोचो x की पावर 1 अपॉन 2 इंटू x की पावर 1, तो आप क्या लिखते हैं x की पावर 1 बाय 2 प्लस 1 कर देते हैं, तो इस x की जगह x की होल पावर 1 अपॉन 2 और x की होल पावर 1, तो इस x की जगह क्या है आपके पास, a की पावर 2.3 प्लस b की पावर 2.3, यहां भी है यहां भी, देखो यहां भी x है यहां भी x है, तो यहां भी a की पावर 2.3 प्लस b की पावर 2.3, यहां भी a की पावर 2.3 प्लस b की पावर 2.3, तो बेस सेम है इसलिए पावर ऐड हो जाएंगी, तो ac इज इक्वल्स टू व्हाट, a की पावर 2.3 प्लस b की पावर 2.3 की होल पावर, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है ना, ठीक है, तो पावर ऐड हो जाएंगे यानी कि 1.2 प्लस 1, तो ये आ गया आपके पास कितना, नेक्स्ट स्टेप में ac इज इक्वल्स टू a की पावर 2/3 और प्लस b टू द पावर 2/3 की होल पावर, 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2 ही तो होता है, और यही तो प्रूफ करना था कि मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3 की होल पावर 3/2, ओके, तो ये हमको प्रूफ करना था स्टूडेंट्स, हमने प्रूफ कर लिया और